कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों मेरा नाम भूपेश आनंद है और कॉमर्स फील्ड में मैंने जितनी भी डिग्रीज फाइनेंस की अवेलेबल है, नेशनल और इंटरनेशनल, मैंने सभी की हुई है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आज का वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, स्पेसिफिकली सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस दिसंबर 2019 ऑनवर्ड्स, तो मेरे दोस्त अपीयर होने जा रहे हैं। दोस्तों पहली बार सीएस एग्जीक्यूटिव में न्यू सिलेबस में पहले सब्जेक्टिव टाइप था, लेकिन कुछ पेपर्स में इंस्टीट्यूट ने ऑब्जेक्टिव टाइप का नोटिफिकेशन हमें दे दिया था, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा दिसंबर 2019 ऑनवर्ड्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। स्पेसिफिकली टैक्स लॉज में देखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेटे अगर मैं एग्जीक्यूटिव ग्रुप टू को देखूं तो एक्चुअली में चार सब्जेक्ट्स नहीं है, छह सब्जेक्ट्स है। एक हो गया सिक्योरिटी एंड कैपिटल मार्केट 70-30, एक हो गया बेटे इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस, एक हो गया बेटे फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक हो गया बेटे कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो लास्ट के दो है ना बेटे, इनको इन्होंने डिवाइड किया 60-40। तो बेटे ये 100-100 मार्क्स का सिलेबस है। इसका मतलब आप अगर एग्जीक्यूटिव ग्रुप टू में जा रहे हैं तो थोड़ा सा इस समय प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि समय हमारे पास काफी कम है। अब ये 9th या 10th अगस्त है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो लगभग आपके पास गिने चुने 3-3.5 महीने रह चुके हैं। अगर आप डेज में कैलकुलेट करें तो कुछ और कम, और आने वाले दिनों में फेस्टिवल्स आने वाले हैं। लेकिन कह दें कि अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इंसान चाहे दोस्तों जहाजों को जो गिरा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। मुझे मालूम है कि आज आप सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 दिसंबर 2019 के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आप मेंटली प्रिपेयर कर चुके होंगे कि मुझे ये ऐसे 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 प्रिपेयर करना है। आज का ये वीडियो 2-3 मिनट का, मैं खाली आपको थोड़ी सी गाइडेंस देने के लिए आया हूं कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैंने कहा मैं आपको आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब, एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब, मैं मानता हूं कि ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसकी चॉइसेस होंगी, आपको उसमें से कोई भी बेस्ट ऑप्शन ऑप्ट करना, और आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। अच्छा मुझे अभी याद आया बेटे, ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकते हैं, और मैच द फॉलोइंग, बेटे मैच करना मैच द फॉलोइंग, मतलब आपको एक टेबल फॉर्म दिया जाएगा और उस टेबल फॉर्म में यहाँ पे कुछ लिखेंगे, यहाँ कुछ लिखेंगे, यहाँ कुछ लिखेंगे, या रवीना टंडन होगी, या कोई होगा, यहाँ कौन होगा, कोई होगा, आपको मैच करना है कि अगर मैं लिखूंगा दीपिका पादुकोण तो आपको मैच करना है उसके उसके कंपेनियन के साथ। तो देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव टाइप। और ऐसा मानते हैं बेटे, मैं सीएफए की बात करूं, मैं अमेरिकन पेपर्स की बात करूं, मैं यूरोपियन पेपर्स की बात करूं, या मैं इस दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल पेपर्स हैं मैं अगर बात करूं, तो बेटे मैक्सिमम वो 90% केस स्टडीज और ऑब्जेक्टिव टाइप ही आते हैं। तो ये तो बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट से देखूं तो स्टूडेंट का थोड़ा सा काम बढ़ गया बेटे। क्यों? क्योंकि उसको थ्योरी भी करनी है, कंसेप्ट भी समझने हैं, थोड़े से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि उसी से चेक होगा ना कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप करने हैं। और बेटे ऑब्जेक्टिव टाइप में या तो आर या पार, आप समझ रहे हैं, आर या पार, मतलब इसमें तुक्का नहीं चलता, जुगाड़ नहीं चलता जो आपके सब्जेक्ट टाइप में चलता। तो थोड़ा सा प्लानिंग करनी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर इंसान चाहे तो क्या मुश्किल है सर। आइए मैं एक बार इंस्टीट्यूट की बात करूं, इंस्टीट्यूट ने लास्ट 2-3 दिन पहले ही बेटे 2-3 दिन पहले ही न्यू स्टडी मटेरियल्स अपलोड कर दिए, जिसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन लेकर आए। वो लास्ट में नहीं है स्टडी के, उसमें 100-100 क्वेश्चन दे दिए, टेस्ट पेपर के नाम पर उन्होंने दिए। तो मैं
आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट है, तो चलिए सब्जेक्ट ड्राइव भी आने वाला है। मैं अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूँ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो बेटे नया स्टडी मटेरियल हमारे इंस्टीट्यूट ने लॉन्च कर दिया है और इसमें 60 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर है। 60 मार्क्स का पेपर अगर आप देखें ध्यान से देखें तो 60 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है। उसमें टॉपिक्स उन्होंने वही रखे हैं 9 जो पहले भी दिए थे सब्जेक्ट टाइप में, जैसे फर्स्ट टॉपिक है रिपीटेड नेचर फाइनेंशियल कैपिटल बिल्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, प्रोजेक्ट फाइनेंस, डिविडेंड पॉलिसी और पोर्टफोलियो सिक्योरिटी, ये पहले भी थे। लेकिन उन्होंने चलाकी ये की कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं बेटे वो लास्ट में उन्होंने एक पेपर ऐड कर दिया टेस्ट पेपर। आप देखें ध्यान से, ये देखिए मैं इसको अगर स्क्रॉल करूं तो नीचे ले जाऊं और नीचे ले जाने के बाद यहाँ नीचे कोई बात नहीं भी देख लेते हैं। ये देखिए बेटे ये लास्ट में इन्होंने टेस्ट पेपर्स ऐड कर दिए हैं जो आपको इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप ही आने हैं, तो उसका एक उन्होंने टेस्ट पेपर डाल दिया है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं जो चार तरह के हो सकते हैं। ये उन्होंने लास्ट में पेपर ऐड कर दिया, 100 क्वेश्चन ऐड किए हैं और उसके आंसर्स भी लिख दिए, बट ये सफिशियंट नहीं है। दिस इज नॉट सफिशियंट, आपको इसमें बड़ी थोड़ी सी अपनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे मैं अगर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं तो इस पेपर में भी उन्होंने लास्ट में कुछ ऐड कर दिया है। ये देखिए लास्ट में टेस्ट पेपर ऐड कर दिए जो सफिशिएंट नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा, वो सफिशिएंट नहीं है। 100 मार्क्स का पेपर है, क्या आप 100 क्वेश्चंस करके आप मानेंगे कि आपने सब कुछ कर लिया? सवाल ये आता है कि जो क्वेश्चंस हैं इन्होंने जो दिए हैं ये आप कर भी नहीं सकते जब तक आप कंसेप्ट को ना समझ लें और थ्योरी को ना समझ लें, और जब तक आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी ना करें तब तक आप ये कर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि थोड़ा सा काम बढ़ गया है आपका। एक तो एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 6 सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए नया है अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नया है। बड़े पेपर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग पेपर्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ हमने बुक्स बेटे नई न्यू सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर कर दी है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप बुक्स को देखें। मैंने बेटे कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक्स बनाई, 60 मार्क्स का पेपर की बुक अलग बनाई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर की अलग बनाई। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सेपरेट प्रिपेयर की, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की सेपरेट प्रिपेयर की, और उसमें भी दो दो कैटेगरीज बनाई। एक तो बनाई बेटे थ्योरी एंड कंसेप्ट्स, कि भाई जब तक हमें वो थ्योरी समझ नहीं आएगी, जब तक हमें वो कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे, जब तक मैं उसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं करूंगा, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप कर ही नहीं सकता। दो बुकलेट्स बनाई सभी पार्ट्स में, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसमें दो बुकलेट्स मिलेंगी, एक मिलेगी थ्योरी कंसेप्ट्स एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, एक अगर अलग से बुकलेट बनाई है बेटे जिसमें लगभग 700-800 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें ये चार कैटेगरीज हैं। और उस हमारी बुकलेट बुक का फायदा ये होगा दोस्तों कि मैंने उनको कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया। जैसे आप देखिए, ये जैसे मैंने आपके सामने एक बुक रखी। अब मैं बुक के बात करूं तो इसको किया कैसे है, कमेंट्स ये तो सब ठीक है, लेकिन इसको मैं एक चैप्टर दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आप उस चैप्टर को थोड़ा सा देखें। जैसे मैंने कहा कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है तो इसको हमने हर चैप्टर को कंसेप्ट में डिवाइड किया। जैसे आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, तो कंसेप्ट 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, कंसेप्ट 2 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट 3 प्लानिंग, कंसेप्ट 4 ऑर्गेनाइजिंग, कंसेप्ट 5 स्टाफिंग, कंसेप्ट 6 डायरेक्टिंग, कंसेप्ट 7 कंट्रोलिंग। और उसके बाद हमने पूरी बुकलेट को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाया और उसके बाद हमने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं और वो क्वेश्चन कहां कहां से आया है वो हमने लिख दिया है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट और डिफाइन मैनेजमेंट, तो सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस स्टडी सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि बेटे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं था ना, तो जून 2019 तक की जो स्टडी थी उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए थे, तो मैंने वो भी इंक्लूड की, जो इस बार की स्टडी है वो भी इंक्लूड की, और मैंने बड़ी प्यारी प्यारी की बुक्स आपके लिए प्रिपेयर की हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने उसमें फ्लो चार्ट्स भी बनाए, मैंने उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप अलग रखे। तो अगर आप
सी एस एग्जीक्यूटिव ग्रुप टू दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं आने वाले दिनों में बड़े सारे यूट्यूब में वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, आप उन वीडियोज को देखें, आप उन इंट्रोडक्टरी क्लासेस को देखें, आप उस बुक्स के फीचर्स को देखें। ये सब देखने के बाद आप डिसाइड करें कि आपको कहां से परचेज करना है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप डायरेक्टली मेरे वीडियो लेक्चर्स या मेरे, क्योंकि बेटे फेस टू फेस का आपके पास टाइम है नहीं। आप ईमानदारी से बताऊं, 3-3.5 महीने रह गए, 6 पेपर देने, आप खुद सोच लीजिए एक पेपर को कंप्लीट करने में 2.5-3 महीने लग जाएंगे। अगर आप सारे पेपर की कोचिंग लगाते हो तो बेटे कम से कम पूरा दिन आपका लग जाएगा। और घर में पढ़ोगे कब, सेल्फ स्टडी कब करोगे? और जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे बेटे, ये ग्रुप निकलने वाला नहीं, ग्रुप वन फिर निकल जाएगा एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस, क्योंकि उसमें एक ही ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें 4 ही पेपर्स है, लेकिन बेटे इसमें 6 पेपर्स हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग पेपर है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक अलग पेपर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक अलग पेपर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अलग पेपर है। तो बेटे 4 ये हो गए, 1 सिक्योरिटी हो गया, 1 इकोनॉमिक हो गया, 6 पेपर्स। तो मैं आप सबको ये आज के इस वीडियो लेक्चर से ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं भूपेश आनंद, हमने बड़ा सारा मटेरियल, बड़े 2-3 महीनों से बड़ी मेहनत की और बड़ी सारी बुकलेट्स हमने बनाई है, आपको आने वाले दिनों में यूट्यूब एक्सेस में मिलेंगी। आप उसके बाद डायरेक्टली देख सकते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, हमारी साइट से, हमारे बड़े सारे वेंडर्स हैं, आप डायरेक्टली वहां से भी बाय कर सकते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।